और तेलंगाना के सीएम पर जल्द हो सकता है ऐलान। रेस में रेवंत रेड्डी सबसे आगे, कांग्रेस सरकार बनाने का पेश करेगी दावा। और आइए अब देखते हैं कि तेलंगाना में सीएम को लेकर क्या गतिविधियां इस वक्त चल रही हैं। तो तेलंगाना की बात करें, रेस में सबसे आगे हैं रेवंत जी। पार्टी के 64 विधायकों की हैदराबाद में बैठक और पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार भी इसमें मौजूद रहे, इसमें उपस्थित रहे। सरकार बनाने का दावा कांग्रेस पेश करने वाली है, पूर्ण बहुमत है और सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री और कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। चार राज्यों के नतीजों में कांग्रेस को तेलंगाना में जीत मिली। जीत मिलने के बाद सोमवार को कांग्रेस विधायक दल ने राज्य सरकार के गठन पर चर्चा के लिए तेलंगाना के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ एक बैठक की। पार्टी की तरफ से राज्य के पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार ने कहा कि तेलंगाना के सभी विधायक चाहते हैं कि कांग्रेस आलाकमान तेलंगाना के मुख्यमंत्री को चुने। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कांग्रेस की 3 राज्यों में मिली हार पर चुटकी ली। ओवीसी ने कहा कि बार बार ये कहा जाता है कि ओवीसी बीजेपी से मिले हैं और कांग्रेस के खिलाफ अल्पसंख्यकों की वोट में सैन लगाते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को पहुंचता है। न्यू गवर्नमेंट हेडेड बाय कांग्रेस पार्टी विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर। वी डोंट नो व्हाट चेंजेस विल हैपन, बट दिस इज द डिसीजन मेड बाय द पीपल ऑफ तेलंगाना व्हिच वन विल हैव टू एक्सेप्ट इट। हालांकि कांग्रेस की जीत पर ओवीसी ने शुभकामनाएं दी और कहा कि पता नहीं आगे आने वाले समय में क्या बदलाव देखने को मिलेगा।